देखा, जब भी बुरा होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है। पता है, मैंने साईं बाबा से फीस पूछी थी कि मैं हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए कितने लूँ, क्योंकि लोग बहुत दिमाग खाते हैं। तो 900 रुपये ऐसा निकला, बट साईं बाबा को कुछ और मैसेज भी देना था शायद, इसीलिए एक बच्चे ने जो है थोड़ा सा उसका डिप्रेशन दिखाया। मैंने उपाय भी उसको बताया, बट उसको यकीन नहीं हुआ, कि उसको लगा फ्री में बता रही हूँ तो शायद सही नहीं बता रही हूँ, और वो बहुत डिसअपॉइंट हो गया। और उसने कुछ ऐसे कमेंट किए, बाद में उसने बहुत प्यार से माफ़ी मांगी मुझे ईमेल पे, और बहुत प्यार दिया मुझे, और जिसके लिए मैं उसकी थैंक यू हूँ। एक्चुअली वो लकी है मेरे लिए, गोल्डन लकी है, क्योंकि उसकी वजह से एक अच्छा काम हो सका और मुझे भी काम मिल गया। और तो मैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो दिन मेरा इतना ख़राब गया जब उसने कमेंट किए थे, बट उसके बाद मेरा सब कुछ अच्छा होने लगा, बस उसकी वजह से। ही इज़ लाइक एंजल टू मी, कि उसने मुझे वो आइडिया सोचने के लिए मजबूर किया उसने। और मैं, मुझे, क्योंकि एक इम्पैथ जो होता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके ऊपर अगर कोई आरोप लग जाए तो बहुत हर्ट हो जाता है। तो मैं बहुत हर्ट हुई कि क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मैंने तो उसको फ्री एडवाइस भी दे दी, फिर ऐसा कैसे। और तो तब गॉड का प्लान मुझे समझ में आया कि वो क्या चाहते हैं, और मैंने जो है 200 रुपये फीस रखी, जिसमें सिर्फ मैं लिख के देती हूँ उपाय, और 350 में थोड़ा सा गाइड करती हूँ, उनसे बात करती हूँ या वॉइस क्लिप भेजती हूँ, ये सब करती हूँ। और आज जब मेरे सब्सक्राइबर रोक दिए गए, मेरे लिए मैं निगेटिव एंटिटी हूँ, आप ऐसा हो वैसा हो, माल मसाला लगा के उनको पकड़ के रखा, और निगेटिव इन्फॉर्मेशन मेरे लिए भर दिए गए सब्सक्राइब। कल से मेरे सब्सक्राइबर रोक दिए गए थे कंप्लीटली, और निगेटिव इन्फॉर्मेशन भर भर के मतलब उनको पूरा क्या किया था वो राम जाने। बट मैं सोच रही थी कि क्यों ऐसा हो रहा है। दिन भर में सब्सक्राइबर्स के लिए तो भूखी नहीं थी मैं मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि इतने भी सब्सक्राइबर होंगे। तो गॉड कुछ अच्छा कराना चाहते थे। एक्चुअली ये भी मेरा एक सोल पर्पस था, जिसके लिए मैंने लाखों, बहुत पैसे डाले रेकी में, मैंने बहुत बहुत डाले हैं। और जहाँ वहाँ जाके मैं डबल डबल भी सीखी हूँ। मैं कभी चाहती थी मैं कि इसकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहे, तो मैंने बहुत सीखा है इसमें। और मैं फ्री में सिखाना चाहती थी, लेकिन स्पिरिचुअल वे में सिखाना चाहती थी, जो एक होता है ना वो पैसे कमाना, ये सब मेरा नहीं था। तो मैंने काफ़ी लोगों को फ्री भी सिखाया था, लेकिन मैं पछता गई कि फ्री सिखा के। तो मैं सोचा कि ये जो फीस है वो सचमुच इंटरेस्टेड लोग ही भरेंगे, कि जिनको इंटरेस्ट नहीं वो इतने भी क्यों भरेंगे ना। तो इसीलिए मैंने ये फीस रखी, और इसमें मेरा भी फायदा है, सामने वाला का भी फायदा है। और देखो, लकी दिखाया है साईं बाबा ने कि जो सब्सक्राइबर रोक दिए थे, जैसे तैसे वो जो है 800 हो गए, आगे भी होंगे। और ऐसे ही अच्छे काम ईश्वर मुझसे कराए, जिसमें मेरा भी फायदा हो और दूसरों का भी फायदा हो। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि किसी का नुकसान ना हो और सब फायदे में रहे। और इनर वर्क जो है डायरेक्ट ईश्वर से आए, क्योंकि रेकी से तो डायरेक्ट सातों चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, सिक्स सेंस एक्टिवेट हो जाता है, ऑरा आपका, आप समझ सकते हो क्या क्या हो सकता है, जो भी जानते हैं रेकी के बारे में। तो बहुत अच्छा है, थैंक्स टू ऑल सपोर्ट। मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी, आज मेरा सर दर्द भी हो रहा था, और मैं सोच रही थी कि पता नहीं आज फिर किसी ने एक मैसेज आया फिर व्हाट्सएप पे मेरे लिए, ब्रेवो कुछ आया, कि जो मैं एक वीडियो बना था कल नाइट को रियूनियन का लड्डू, कि सचमुच तुम ब्रेव गर्ल हो, ऐसा कुछ आया था। तो मैं एकदम से, मेरा मूड चेंज हो गया कि किसी ने मेरे लिए इतना अच्छा कहा, और ब्रेवो वगैरह मस्त कहा उसमें, और मेरा मूड चेंज हो गया। और कितना, कुछ लोग कितना प्यार करते हैं ये वो दिखाते हैं, और जब भी सेशंस होते हैं तो वो बहुत मुझे थैंक्स कहते हैं, उसके बाद जो भी रिएक्शन भेजते हैं, तो उससे लगता है कि सचमुच लोग कितना प्यार कर रहे हैं। और जो लोग नफरत करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो समझ में आता है कि भाई लोग हमसे इतना प्यार करने लगे हैं, तो जलने वाले तो आ ही जाएंगे। तो कोई बात नहीं है, जलने वालों का भी शुक्रिया, वो बताते हैं आपको कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो चुके हो सबके लिए। थैंक यू।